हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना राजभाई और आज आपके सामने लाया हूं RR 310 BMW। और अब मैं सुनाता हूं इसकी फुल सिस्टम एग्जॉस्ट की साउंड। वेंट पाइप तो इसका इंस्टॉल कर दिया गया है जो कि आपको देखने मिल जाएगा, पूरा फुल कैथलिक कन्वर्टर वाला ही देख सकते हैं आप। और ये इम्पोर्टेड के अंदर है, इंडियन नहीं है। और इसके साथ में अब इसमें पहले सुना रहे हैं आपको ट्रांसफार्मर वाला जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लुकिंग के साथ इसके अंदर लगा दिया गया। सुनते हैं इसकी साउंड और उसके बाद बाकियों की साउंड सुनाते हैं, फिर उसके बाद फाइनल में दिखाएंगे कि कौन सा लगने वाला। तो ये लगाया ट्रांसफार्मर, बाकी में ट्रांसफार्मर पटाखे बहुत जोर से मार रहा है, मैं खुद डर गया इससे। अब इसके बाद सुनाते हैं नेक्स्ट, ये लगा देगा SC प्रोजेक्ट का जो कि इसकी अब आपको साउंड सुनाने वाले हैं कि आपकी साउंड कैसी आने वाली है। और अब सुनाने वाले हैं आपको लुएंसी की जो कि स्टेनलेस स्टील का इसके अंदर लगा दिया गया, सेम बैंड पाइप की मैचिंग का है पूरा। साउंड जनरल लग रही है। नेक्स्ट, और अब सुनाते हैं आपको यशोमोरा टाइटेनियम कार्बन के अंदर। और अब सुनाने वाले हैं आपको R1M। अब सुनाते हैं आपको R9 का। नेक्स्ट अब दिखाते हैं एक्रोपॉविक टाइटेनियम जो कि इसमें लगाने वाले हैं सुपर बाइक वाला, इसकी भी साउंड सुनते हैं कैसी आती है। अब नेक्स्ट सुनाते हैं आपको यशोमोरा का R79 जो कि कार्बन फिनिश के अंदर है, इसकी भी साउंड सुनते हैं कैसी आती है। तो साउंड इसकी बहुत अच्छी है। और अब इसके बाद अब सीधा सुनाते हैं फाइनल पे कि भैया को पसंद कौन सा है कौन सा नहीं आया, भैया से देखते हैं भैया कौन सा पसंद करते हैं, फिर आपको एंड में पूरी गाड़ी की वीडियो के साथ आपको सुनाते हैं एग्जॉस्ट की साउंड। फ्रेंड्स, आपने देखी इस बाइक की मॉडिफिकेशन एग्जॉस्ट की आपको साउंड सुनाई थी मैंने, और अब मैं दिखाता हूँ फुल कंप्लीट पर कि इसमें क्या क्या इसमें लग चुका है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इसके अंदर आपको देखने मिल जाते हैं फॉर्क प्रोटेक्शन, जिससे आपके यूएसबी शॉकर और मडगार्ड ये दोनों चीज़ें रहते हैं पूरी तरीके से सेफ। आपको दोनों तरफ सेफ्टी मिलती है, इस तरफ भी और साथ में मिलती है आपको इस तरफ भी। और कलर कॉम्बिनेशन जो है वो गोल्डन इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप देखो शॉकर, ये शॉकर से गोल्ड होते हैं तो इससे गोल्ड ही मैच होता है, तो इसलिए गोल्ड कलर के लिए जाते हैं फॉर प्रोटेक्शन। फॉक्स लेटर हमें लगवाए नहीं क्योंकि भैया को अच्छे नहीं लगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो अच्छा लगे वो काम करें। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग भी दे रहे हैं ये, और साथ में इससे सेफ्टी भी मिल जाती है। साथ में इसमें लगाइए रेडिएटर का, आप देख सकते हैं इससे आपका अंदर का रेडिएटर जो है ना वो पूरी तरीके से सेफ हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ऑफ रोडिंग में, ऑन रोडिंग कहीं भी जाता है, पत्थर वगैरह होते हैं ना, तो आपके रेडिएटर पर लगने के बाद रेडिएटर टूट जाता है। और रेडिएटर होता है एल्युमिनियम का बहुत ही पतला, अगर उस पर कुछ भी लगा तो समझ लो वो हो गया डैमेज। और वो डैमेज होने का मतलब ये है कि आपका पूरी तरीके से आपकी गाड़ी हो जाएगी बंद, क्योंकि वो ख़राब तो ऑयल आपका लीक हो जाएगा इसका, और उसका ऑयल लीक होगा रेडिएटर का, तो समझ लो गाड़ी हीट होकर बंद हो जाएगी, तो फिर मोटा खर्चा। तो उसे बचाने के लिए सिंपली एक छोटी सी आइटम है, इसे लगवाना वैसे मैंडेटरी, बाकी मर्जी आप लोगों की है, आप लगवाएंगे तो सेफ्टी आप ही गाड़ी की है। और फिर उसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर जो सबसे डिसेंट जो काम किया गया है, इसके अंदर लगाए गए हैं विंग्स, ये देख सकते हैं ये विंग्स हैं RR वाले जो कि इसके अंदर लगा दिए गए हैं। और इसकी जो लुकिंग है वो काफ़ी यूनिक और डिफरेंट और बड़ी प्यारी सी लग रही है, लग रहे हैं। इंडिकेटर हटा दिए गए हैं और इंडिकेटर के इधर लगा दिए, सेम आपको इधर भी और सेम आपका इधर भी देखने मिलेगा। ये देखिए, ये दोनों तरफ आपका सेम लगा देगा। और ये देखो इंडिकेटर जब जलेगा ना, तो इंडिकेटर जलने के बाद ये आपका हो जाता है रनिंग स्टाइल, ये पूरा हार्ले स्टाइल हो गया। और आपका जैसे आपका इधर दिख रहा है ना आपको, इसी तरीके से आपको पीछे भी आप देख सकते हैं, सेम आपका पीछे भी लगा दिए, देख सकते हैं लुकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। इसे लगाने के बाद जब ये रोड पर निकलने वाली है ना, तो समझ लो लोग इसको देख के जरूर पूछेंगे भैया से कि भैया ये बताओ ये कंपनी से लगा हुआ है या आपने खुद इसको लगवाया कहीं से। तो ऑब्वियसली बात है भैया को रेफरेंस देना पड़ेगा हमारा मजबूरी में कि भैया वहाँ से लगवाया। तो आप देख सकते हैं लुक काफ़ी ज़बरदस्त है। अब मैं अब पीछे का आप देख सकते हैं, पीछे का अभी तक मैंने येलो जला रखा, अभी हो गया वाइट, सेम आपका कॉन्सेप्ट वही हो गया। चाबी ऑन करते ही आपका पूरा प्रॉपर वाइट इसके अंदर जल चुका है। और लुक आप चेकआउट करो पीछे से भी और आगे से भी, दोनों तरफ से आप चेकआउट करो लुक की,
क्या ज़बरदस्त लुक इसके अंदर निकल के आ रही है। और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर लगाए गए सेफ्टी फीचर्स जो कि इसके अंदर लगाए हैं आपके ओरिजिनल वाले फ्रेम स्लाइडर, जो कि आप देख सकते हैं BMW की ब्रांडिंग के साथ है। इसमें हमारे RR 310 भी मिल जाएगा, BMW मिल जाएगा और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है। ये इतनी प्रीमियम क्वालिटी है कि इसे लगाने के बाद ना आपकी बाइक की फेयरिंग, टैंक और थोड़े बहुत खुद के लैग्स भी हो जाते हैं, पूरी तरीके से सेफ। तो सेफ्टी फीचर मस्ट है, क्योंकि सेफ्टी अगर ना हो ऐसी हैवी बाइक हो तो कोई फ़ायदा नहीं। आप देख सकते हैं सेम आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा, ये आपकी जो प्लेट है ना ये स्टेनलेस स्टील होती है और ये ब्रांडिंग कभी भी हटने वाली, ख़राब होने वाली नहीं है। और आप ये भी देखते हैं पूरा एल्युमिनियम का है जो लगा दी गई, साथ में केसिंग भी इसके अंदर लगा दी गई है। जो लुक है, लुक तो इनहेंस होती है तो साथ में सेफ्टी भी इससे बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लगाए गए टैंक पैड और ये आपके सेम ओरिजिनल BMW के आपको थाई पैड इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, क्योंकि मैक्सी ग्रिप के होते हैं इसके अंदर। इधर भी आप देख सकते हैं ये आपका ब्लैक, रेड और क्या नाम है आपको कार्बन, ये आपका लगा दिया गया टैंक पैड। तो ये इसकी लुक भी इनहेंस होती है, साथ में इसकी सेफ्टी भी हो जाती है, क्योंकि ये पैंट वगैरह से क्या होता है स्क्रैचेस वगैरह आया था टैंक पे। और इधर आपका बेल्ट वगैरह की ऑब्वियसली बात है, जो बंदा बैठता है ना तो बैठने के बाद आपकी बेल्ट यहाँ टकराती ही टकराती है, तो ये उस केस में क्या आपकी पूरी टैंक को करता है सेफ। टैंक पैड और थाई पैड दोनों चीज़ों से आपकी पूरी सेफ्टी हो जाती है। और उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर एग्जॉस्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में साउंड सुनाए थे बहुत सारे, और भैया ने फाइनली जो चूज़ किया वो चूज़ किया R1M एक्रापोविक का। साउंड आपको मैं सुनाता हूँ इसकी भी लास्ट में, पहले आप देख लें इसको फुल सिस्टम बैंड पर लगाया गया है, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था, फिर से कैथलिंग कन्वर्टर वाला है। ये कैथलिंग कन्वर्टर इसके अंदर इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि इससे इंजन वगैरह की परफॉर्मेंस पर फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता और आपकी बाइक का पूरा सेफ्टी होती है। साथ में इसमें कैथलिंग कन्वर्टर भी लगाया गया जिससे साउंड को थोड़ा सा डाउन किया गया। इसके अंदर भी कैथलिंग, इधर भी कैथलिंग, तो फुल्ली सेफ्टी इसके अंदर कर दी गई है। अब मैं आपको सुनाता हूँ इसकी साउंड की, इसकी साउंड कैसी है। ये होती है इसकी आइडल पर, अब मैं देने वाला थ्रोटल। गजब साउंड है, साउंड ऐसी कि मतलब न जाने कैसी, मज़ा आने वाला है। जब ये रोड पर निकलेगी ना तो ऑब्वियसली बात है कि ये BMW जो बीच निकलेगा ना तो BMW का पूरा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी तक जब बिना एग्जॉस्ट के अगर कोई मान लो सुपर बाइक कावासाकी लेता है या BMW, तो बिना एग्जॉस्ट के उसमें मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। एग्जॉस्ट लगने के बाद अब लगता है कि हाँ कुछ हमने बाइक ले रखी है, सुपर बाइक का टच इसके अंदर आ जाता है। तो ये थी कुछ इस बाइक की मॉडिफिकेशन। अब मैं मिलवा रहा हूँ भैया से, जिन भैया की ये बाइक है, भैया कहाँ से और उनको हमारा काम कैसा लगा। तो हेलो भैया। हेलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और आपको काम वगैरह हमारा कैसा लगा। मैं मोदी नगर से आया हूँ और जेन्युइनली भैया ने काम बहुत अच्छा किया है और बहुत आराम से, बहुत तसल्लीपूर्वक काम किया है, और बाद के लिए भी बोला कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आकर के मुझसे दिखा लें, मुझसे मिल लें। सो डेफिनेटली काम अच्छा किया है तभी इतनी बात इन्होंने कही है, थैंक यू। तो काम के साथ साथ अगर जो जैसे कि देखो पता है क्या अभी क्या है हमारा करोलबाग के अंदर, क्या बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मतलब बिना मतलब का टारगेट बना रखा है SKD को, जो भैया SKD वो भेजा शॉपकीपर ही सही, वो है शॉपकीपर ही, क्योंकि बदनाम जो करते हैं वो सिर्फ अपने करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे कि अगर जो हमारे पास मान लो आप आए हो इतनी दूर से, आपको काम में सेटिस्फेक्शन, चीज़ में सेटिस्फेक्शन और सब कुछ, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के जवाब के, भैया उनका क्या जवाब है आपके। भाई जब SKD आएंगे तो एक प्रॉपर जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है वो आपको यहाँ आकर के प्रॉपर अच्छे से विद रीजनेबल प्राइस सारी चीज़ें अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जैसे कि आज मुझे मिले। तो ये भैया का रिव्यू था, भैया कहाँ से, भैया ने बता दिया। और अगर कोई हमारा कस्टमर जैसे कि आप मोदी नगर से हैं, कोई और दूर से भी आना चाहे जी, दिल्ली तो है, दिल्ली के बाहर से भी आना, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कहाँ आए। नहीं ऑब्वियसली SKD आए और अपना प्रॉपर अच्छे से सेटिस्फेक्शन पाए। ये हुआ भैया का रिव्यू, भैया ने दे दिया। तो आई होप आपको भैया का रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि भैया ने जो बोला अपना जेन्युइन जो उनका कंसर्न था, जो उन्होंने बताना था वो बता दिया आप लोगों को। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि इतने सारे SKD खुल गए हैं, ये वो है। SKD की जो फुल फॉर्म है, जो मेरी शॉप की, वो मैं बताया था आपको, मेरी शॉप का जो SKD आप देखते हैं राजू भाई SKD, ये मेरे चैनल का नेम है, और SKD जो मेरी शॉप का नेम है वो ही बताया था, वो मैंने कब और क्यों रखा था। मैंने आज से 2 से 2.25 साल पहले मैंने SKD का नाम रखा था खुद, और वो भी इस रीज़न से रखा था क्योंकि जो मेरा बेटा था वो उस टाइम पर बॉर्न हुआ था, तो जब वो बॉर्न हुआ था तो उसका जो निक नेम था, जो आपके पंडित ने जो नाम है वो डुगू रखा गया था, और SK हमारा ऑलरेडी पहले से कंप्लीट था। S मीन्स मेरी वाइफ का नाम शालू, K मीन्स मेरे बड़े बेटे का कुलदीप, D मीन्स मेरे छोटे बेटे का जो बॉर्न हुआ था 2.5 साल पहले उसका, तो ये टोटल मिला के होता है SKD। तो ये SKD की मेरी फुल फॉर्म है, ध्यान रखें, आई एम अ रियल SKD ओनर।
ये ध्यान रखें, एसकेडी ऑनर का मतलब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। कुछ अगर पूछना हो तो आप कमेंट में उससे पूछ सकते हैं किसी भी बारे में। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियो एंड ब्लॉग्स आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं जो कि राजू भाई एसकेडी से। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।